Hey guys, we are back new video और टेक्निक दिलीप YouTube चैनल में हूँ आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट दिलीप कुशवाहा। तो गाइज इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ ऑनलाइन वर्क के बारे में कि आज मैं आपको कुछ ऐसे वर्क के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आप अपने घर में बैठ के कर सकते हैं और पैसे भी कमा सकते हैं। जो ऑनलाइन वर्क के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ उस वर्क से दोस्तों आपको दो बेनिफिट भी मिल जाएंगी। पहली बेनिफिट ये होगी कि आप अपनी क्रिएटिविटी को निखार सकते हो सबके सामने। इसके अलावा दोस्तों आप घर बैठे पैसे भी कमा सकते हो। आप जानते हैं कि ऑनलाइन बहुत सारे काम हैं जिनको करके आप अपने घर में बैठे बैठे पैसे कमा सकते हैं। इसी तरह आपने देखा होगा कि एक डिजाइनिंग वाला काम है, आपने देखा होगा कि ऑनलाइन टी शर्ट आती है उसकी डिजाइनिंग के लिए ऐसी बहुत सी कंपनी है जिससे आप जुड़कर ऑनलाइन टी शर्ट पर डिजाइन करके पैसे कमा सकते हैं। अपनी डिजाइन की हुई टी शर्ट को बेचकर आपको पैसे मिलते हैं। तो आज मैं आपको दोस्तों ऐसी ही कंपनी के बारे में बताने जा रहा हूं जिनको जुड़कर दोस्तों आप उनकी वेबसाइट के लिए काम कर सकते हो। आपको दोस्तों सैंपल दिया जाएगा एक टी शर्ट का, आप डिजाइन करना चाहते हो तो डिजाइन कर सकते हो। आपको कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है कि वेबसाइट में सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। आप मोबाइल से, लैपटॉप से, पीसी से, किसी के द्वारा भी दोस्तों ये काम कर सकते हो अपने घर में बैठकर। तो चलिए दोस्तों आप ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हो, ऐसी कंपनी के बारे में बताने जा रहा हूं जो इस तरह का काम करती है। जो लोग घर से बैठकर ऑनलाइन टी शर्ट डिजाइन का काम करना चाहते हैं तो उनके लिए एक अच्छा हो सकता है, वो पैसे भी कमा सकते हैं डिजाइन के साथ साथ। गाइस मैं आपको टीस्प्रिंग वेबसाइट के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। टीस्प्रिंग वेबसाइट दोस्तों ऑनलाइन टी शर्ट डिज़ाइन के लिए पॉपुलर है। इस वेबसाइट से आप अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से ऑनलाइन टी शर्ट डिज़ाइन करके बाय एंड सेल कर सकते हो। अगर आप अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से कोई भी टी शर्ट इस वेबसाइट के द्वारा आप डिज़ाइन करते हो और उसे सेल पर लगाते हो तो पर मंथ आप अच्छा खासा रेवेन्यू इस वेबसाइट के द्वारा कमा सकते हो। ये वेबसाइट एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। सब कुछ आप इस वेबसाइट में फ्री में कर सकते हो और हर मंथ दोस्तों अच्छा खासा प्रॉफिट आप इस वेबसाइट में कमा सकते हो। अगर आप चाहो तो इस वेबसाइट में टी शर्ट के अलावा आपको वुमन क्लॉथ, मग, मोबाइल केसेस, पिलो, इस तरह के आइटम भी देखने को मिलते हैं जिस पर भी दोस्तों आप अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से आप टीस्प्रिंग के अंदर न्यू अकाउंट बना सकते हो, किस तरह से टी शर्ट डिज़ाइन का काम करके आप इस वेबसाइट से पैसे कमा सकते हो। सबसे पहले आप teespring.com वेबसाइट पे पहुंच जाओ और यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको स्टार्ट डिज़ाइनिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सिंपल हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको नीचे साइनअप का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको फिर से क्लिक करना है और यहाँ पे दोस्तों आप अपनी ईमेल आईडी, पासवर्ड और कैप्चा को वेरीफाई करके साइनअप बटन पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे दोस्तों आपको तीन ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। पहला आपको मिलता है क्रिएट एंड सेल, यानी कि आप अपने डिजाइन की चीज़ों को इसके अंदर बेचकर पैसा कमाना चाहते हैं। दूसरा है ट्रैक माय परचेस और तीसरा है ऑर्डर कस्टम प्रोडक्ट। तो तीनों में से आपको पहला वाला क्रिएट एंड सेल पे क्लिक करना है और कंटिन्यू बटन पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे हमें दोस्तों पांच और ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, मार्केटर, कंटेंट क्रिएटर, डिज़ाइनर, ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर्स का। अब यहाँ पे दोस्तों आपको दो ही ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। पहला है कंटेंट क्रिएटर। कंटेंट क्रिएटर में क्या है दोस्तों, अगर आपका कोई यूट्यूब चैनल है, अगर आपकी कोई सोशल आइडिया या इंस्टाग्राम पर अच्छे फॉलोवर्स हैं, आप उसके थ्रू दोस्तों अपने कंटेंट से रिलेटेड कोई टी शर्ट वगैरह डिज़ाइन करके बेचना चाहते हैं तो आप कंटेंट क्रिएटर पर सिलेक्ट करके कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपका कोई यूट्यूब चैनल नहीं है और ज़्यादा आपके फॉलोवर्स नहीं सोशल साइट पर, बस आप अपने क्रिएटिविटी के हिसाब से सेल करके पैसे कमाना चाहते हैं तो आप डिज़ाइनर पर क्लिक करके कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं डिज़ाइनर पे ही क्लिक करूँगा और ये कंटिन्यू कर दूँगा। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं नेम योर स्टोर। अब दोस्तों आप अपने स्टोर को किस नाम से चलाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको वो नाम डालना है और अपना एक न्यू स्टोर बनाना है। तो यहाँ पे मैं अपने यूट्यूब का नाम से स्टोर बनाऊँगा, टेक्निकल दिलीप स्टोर, ठीक है। तो ये मैंने नाम डाल दिया, अब क्रिएट स्टोर पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों एक न्यू मेरा स्टोर बन गया है। आप चाहें तो दोस्तों अपने स्टोर को एडिट कर सकते हैं अच्छी तरीके से, बैनर वगैरह, और उसे कलर देकर अच्छी तरह से अट्रैक्टिव बना सकते हैं और उस पर अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन करके बेच सकते हैं। तो नीचे आपको गो टू स्टोर का एक ऑप्शन मिल जाएगा, तो सिंपल आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके स्टोर पे जो भी प्रोडक्ट आपने डिज़ाइन किए हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जैसे टी शर्ट, बैग वगैरह। तो अभी तो ये न्यू अकाउंट है तो अभी तो यहाँ पे कुछ देखने को नहीं मिलेगा, तो इसे हम क्लोज कर देते हैं और बैग आते हैं। बैग आने पर दोस्तों आपको यहाँ पे क्रिएट ए प्रोडक्ट का ऑप्शन मिलेगा, सिंपल हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों आपको अपने प्रोडक्ट
आपको चूज करने को ऑप्शन मिल जाता है कि आप क्या डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं। यहाँ पे आपको टी शर्ट, जैकेट, मोबाइल के केसेस, मग, बैग, यहाँ पे वुमन से रिलेटेड भी क्लोथ, यहाँ पे सारी चीज़ आपको मिल जाती हैं। जिस चीज़ पे आप डिज़ाइन करना चाहते हैं सिंपल उस पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे ये टी शर्ट पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों ये टी शर्ट के कुछ साइज़ आ गए हैं कि आपको किस साइज़ में डिज़ाइन करना है, जैसे स्मॉल, मीडियम, एक्सल, जो साइज़ के हिसाब से आप डिज़ाइन करना चाहते हो। तो यहाँ पे वो साइज़ भी आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं स्मॉल साइज़ ही सिलेक्ट करता हूँ और स्टार्ट डिज़ाइनिंग पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, बाय का, यानी आप अपने खुद के डिज़ाइन की गई टी शर्ट को ख़रीदना चाहते हैं तो बाय पे क्लिक करेंगे, और दूसरा है सेल, यानी कि आप डिज़ाइन करके बेचकर पैसे कमाना चाहते हैं तो यहाँ पे हम सेल पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे टी शर्ट आ जाएगी। यहाँ पे आपको टी शर्ट डिज़ाइन करने के कुछ टूल्स मिल जाएंगे, तो जिसकी मदद से दोस्तों आप अपने हिसाब से टी शर्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको पहले इस टूल्स के बारे में फुल डिटेल बता देता हूँ। यहाँ पे टी शर्ट का आपको फ्रंट ऑप्शन देखने को मिलेगा, और बैक पे आप क्लिक करोगे तो टी शर्ट का बैक भी आपको देखने को मिलेगा। आप फ्रंट और बैक दोनों को अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हो। डिज़ाइन करने के लिए यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन मिलता है ऐड इमेज, तो ऐड इमेज पे आप क्लिक करोगे तो आपकी गैलरी में से कोई भी अगर आप इमेज अपनी टी शर्ट पे डिज़ाइन के तौर पे लगाना चाहते हो, कोई लोगो वगैरह है, तो वो आप अपनी टी शर्ट पे ऐड इमेज पे क्लिक करके सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ऐड इमेज पे क्लिक करके ये लोगो अपनी टी शर्ट पे लगा दिया है। जो भी फ़ोटो या लोगो आप लगा रहे हो टी शर्ट पे, तो आपको टी शर्ट के चारों ओर एक अंडरलाइन देखने को मिलेगी, यानी कि आपको डिज़ाइन उस अंडरलाइन के अंदर ही रहकर करना है। इसके अलावा आप अपनी फ़ोटो का साइज कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप अच्छी तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी टी शर्ट पर कुछ नाम वगैरह लिखना चाहते हैं तो ऐड टेक्स्ट पर हम क्लिक करेंगे। तो नाम हम दोस्तों टी शर्ट के बैक पर लिखेंगे, तो मैं बैक पोजिशन लगा देता हूँ। इसके बाद हम ऐड टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आप जो भी टाइप करना चाहते हो, जो भी लिखना चाहते हो, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने यूट्यूब का ही नाम आपको सेट करके बता देता हूँ। जो पोजीशन में आपको ये नाम रखना है वो रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो ऊपर आपको फॉन्ट का ऑप्शन मिल जाता है। जिस फॉन्ट में आप ये नाम लिखना चाहते हैं वो फॉन्ट आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप दोस्तों कलर चेंज करना चाहते हैं अपने नाम में, तो कलर पर क्लिक करोगे तो जो कलर में आप ये नाम शो करना चाहते हैं तो वो कलर भी आप ऊपर से चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से आप बोल्ड भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप दोस्तों स्टाइलिश भी कर सकते हैं, अंडरलाइन चाहते हैं तो अंडरलाइन भी आप कर सकते हो। यहाँ पे फॉन्ट चेंज करने का भी ऑप्शन, अगर आप चाहें तो इसमें और भी नाम ऐड कर सकते हैं। फ़ोटो और टेक्स्ट डिज़ाइन करने के बाद दोस्तों आपको इसमें ऑप्शन मिलते हैं कलर्स का, तो दूसरा ऑप्शन मिलता है एडिटिंग का, इसमें चूज प्रोडक्ट कलर। तो यहाँ पे आपको कलर का ऑप्शन भी मिल जाता है, तो आपको प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब दोस्तों आपने ये टी शर्ट डिज़ाइन किया वाइट कलर पे, अगर आप चाहते हैं ये डिज़ाइन दोस्तों और भी कलर पे आए, तो आपको यहाँ पे बहुत सारे कलर देखने को मिलते हैं कि आपको ये डिज़ाइन किस किस कलर पर डालना है। तो यहाँ पे आप कलर अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 3-4 कलर पे टिक कर देता हूँ। अब ये कलर दोस्तों आपकी स्क्रीन पे सामने आ जाएंगे, तो आप देख सकते हैं कि किस कलर में ये डिज़ाइन अच्छा लग रहा है, सूट कर रहा है। तो इस तरह आप और भी कलर में सेम डिज़ाइन रख सकते हैं। इस तरह दोस्तों आप इसके अंदर टी शर्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है, आसानी से आप डिज़ाइन कर सकते हैं और भी अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से और बेहतरीन लुक आप देख सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि अब आप इसे कितने रुपए में बेचोगे और कितने रुपए का आपको इसमें प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे आप अपनी प्राइस सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको प्राइस सेट करने के लिए दो ऑप्शन मिल जाते हैं, डॉलर्स और यूरो। तो पहले मैं डॉलर के बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पे अभी 21.99 है, तो इसको मैं अभी काट देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसकी प्राइस रखता हूँ $15। तो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट होगा, अगर ये किसी ने बाय की तो $2 का मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों अपने हिसाब से आप प्राइस और प्रॉफिट यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो अभी मैंने $18 की इसको रख दी है, तो मुझे प्रॉफिट $5 का मिल जाएगा। अगर कोई भी ये टी शर्ट को बाय करता है, एक पीस बेचने पर मुझे $5 का प्रॉफिट हो रहा है, $18 की मैंने इसकी रेट रखी है। इसके अलावा अगर आप यूरो की प्राइस भी सेट करना चाहें तो यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। तो मैंने यूरो की 17 की है, जिससे मुझे 2 यूरो का प्रॉफिट हो रहा है। इसके अलावा दोस्तों आप डिज़ाइन और प्राइस सेट करके कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे दोस्तों और भी प्रोडक्ट आ जाएंगे। तो अभी मैंने टी शर्ट डिज़ाइन की है,
और टी शर्ट के अलावा अगर आप चाहते हैं सेम डिज़ाइन और भी प्रोडक्ट पे आपके शो हो तो यहाँ पे और भी आ जाते हैं, जैसे इसमें टॉप है, जैकेट है, तो यहाँ पे पिलो वगैरह आपको और भी ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आप चाहते हैं सेम डिज़ाइन हमारे दूसरे प्रोडक्ट पे भी आ जाए तो यहाँ पे आप सिंपल उस पर क्लिक कर सकते हैं, तो जो टी शर्ट वाला डिज़ाइन है वो सेम डिज़ाइन आपके दूसरे प्रोडक्ट पे भी आ जाएगा। तो इस तरह दोस्तों आप एक ही चीज़ पर डिज़ाइन करके अलग अलग प्रोडक्ट पर अपना सेम डिज़ाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अभी तो फिलहाल मैं ये टी शर्ट पे ही डिज़ाइन रखूँगा दोस्तों, मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा वीडियो हमारी लंबी हो, तो अभी मैं यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक कर दूँगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी डिज़ाइन की गई टी शर्ट यहाँ पे आ जाएगी। अब आपको टाइटल का ऑप्शन मिल जाएगा, यानी कि दोस्तों आप जो भी टाइटल लिखना चाहते हैं टी शर्ट किस टाइटल से बेचना चाहते हो तो सेम वो टाइटल यहाँ पे डालेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे हमने टी शर्ट का टाइटल भी लिख लिया। इसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन मिल जाता है, जो भी आप डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हो कि टी शर्ट कैसी है, कैसा लुक है, कैसी डिज़ाइन की है, कुछ भी आप डिस्क्रिप्शन में इस टी शर्ट के बारे में लिख सकते हैं। यहाँ पे आप टी शर्ट का URL सेट कर सकते हैं, यहाँ पे आपको अपनी टी शर्ट प्राइवेट, पब्लिक, यानी कि अभी आप इसमें और भी डिज़ाइन करना चाहते हैं तो प्राइवेट के अनुसार आप बाद में भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अभी मैं प्राइवेट ही रखूँगा क्योंकि मुझे अभी इसे सेल नहीं करना है, अच्छा डिज़ाइन नहीं लग रहा है मुझे, मैंने बस आपको सैंपल के तौर पर बताया है। इसके नीचे आपको एक और ऑप्शन मिलता है, यानी कि आप ये प्रोडक्ट अपने स्टोर पर बेचना चाहते हो या किसी और के स्टोर पर, तो यहाँ पर उसको भी ऐड कर सकते हो। तो अभी फिलहाल हम अपने स्टोर पर बेचेंगे। इसके बाद हम पब्लिक लिस्टिंग पर क्लिक करेंगे, यानी कि आपके डिज़ाइन की गई टी शर्ट अब सेलिंग के लिए दोस्तों रेडी है, यानी कि जो भी आपने प्राइस रखा है उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका प्रॉफिट बन रहा है अगर कोई खरीदेगा तो आपको अच्छा खासा रिवेन्यू मिल सकता है और आप पैसे अच्छी तरह से कमा सकते हो। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा स्टोर आ गया है और जो मैंने पहला प्रोडक्ट अपने स्टोर पे लगा लिया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं टाइटल, डिस्क्रिप्शन सब कुछ शो कर रहा है, प्राइस भी शो कर रही है। इसके अलावा नीचे कलर्स भी आप देख सकते हैं, यानी कि ये डिज़ाइन की गई टी शर्ट किस किस कलर में अवेलेबल है, तो मैंने जो कलर रखे हैं वो भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगर कोई भी इंटरेस्ट होगा खरीदने के लिए मेरी डिज़ाइन की गई टी शर्ट को तो वो खरीद सकता है और मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट बन सकता है। इसके अलावा अगर आप 10 या 15 दिन रेगुलर एक प्रोडक्ट इसमें लगाओगे तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आपके प्रोडक्ट होंगे तो ये टीस्प्रिंग की वेबसाइट खुद आपके स्टोर को प्रमोट करेगी। आप इसी तरह दोस्तों अगर आप चाहें तो अपनी सोशल आईडी को इससे कनेक्ट कर सकते हैं। जल्दी मैं आपको बताऊंगा यूट्यूब के अंदर आप टीस्प्रिंग की आईडी को किस तरह से कनेक्ट कर सकते हो, यूट्यूब के थ्रू आप टीस्प्रिंग की टी शर्ट बेचकर पैसे कमा सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अब जानते हैं कि आपका जो भी प्रॉफिट मिलेगा, जो भी आप पैसे कमाओगे उसे विड्रॉल कैसे कर सकते हो। तो आपको सिंपल अपनी ईमेल आईडी क्लिक करना है, आपको एक पे आउट का ऑप्शन मिल जाएगा। पे आउट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे अभी तो मेरा कोई सेलिंग हुई ही नहीं है तो यहाँ पे करंट पे आउट अभी शो नहीं करेगा। तो मैं आपको बता दूँ आपको सिंपल क्या करना है, आपको दोस्तों फिर से अपनी ईमेल आईडी पे वहाँ पे क्लिक करना है और इसके बाद नीचे आपको सेटिंग का एक ऑप्शन मिल जाएगा, तो सेटिंग पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आपको बहुत से ऑप्शन मिल जाएंगे, अगर आप चाहें तो इसे आप फिल कर सकते हैं, नाम, फ़ोन नंबर वगैरह। इसके बाद दोस्तों नीचे आप आ जाइए तो नीचे आपको एक पेपल की आईडी का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे आप अपने सेट योर पेपल एड्रेस आप यहाँ पे लगा सकते हो, यानी अगर आपको कोई पेपल अकाउंट है तो आप यहाँ पे पेपल की डिटेल इंटर कर सकते हैं और जो भी आपका पैसा है वो पेपल के थ्रू दोस्तों आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। पेपल दोस्तों बहुत ही पॉपुलर है, ज़्यादातर लोग पेपल यूज़ करते हैं अर्निंग करने के लिए, तो आप पेपल का अकाउंट ज़रूर बनाइए और पेपल के थ्रू दोस्तों आप जितने भी इसमें अर्निंग करोगे उससे आप दोस्तों अपने बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हो। अगर आपको पेपल की ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो यूट्यूब पर आप सर्च कर लेना तो पेपल का अकाउंट किस तरह से बनाते हैं और पेपल की मनी को बैंक में किस तरह से ट्रांसफ़र करते हैं, ये सब कुछ डिटेल आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी।